एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू योर चैनल. इट्स गुड टू बी होम. कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रहा है आपका 2022? आ गया है 2022, लेकिन मैं करने वाली हूँ कुछ बात 2021 की. जी हाँ, आज का जो वीडियो होने वाला है वो एक ऐसा वीडियो होने वाला है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो कि है मेरे फेवरेट, जिनको मैंने डिस्कवर किया है 2021 में. लेकिन एक बार लेने के बाद वो मुझे इतने पसंद आए, उनको कई लोगों को मैंने रीफिल किया, रीपर्चेस किया, रीबाय किया. और कुछ कुछ ऐसे हैं जो एक बार लेने के बाद शायद आपको लाइफ टाइम के लिए, मतलब आपको लाइफ टाइम के लिए आपके लिए हो जाते हैं. तो ऐसे ही कुछ प्रोडक्ट्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो. तो लेट्स जंप इनटू द वीडियो नाउ. तो जो सबसे पहला प्रोडक्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है ये विनोद का कास्ट आयरन का पेन. आई नो आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि क्या ये हर समय कास्ट आयरन की बातें करती रहती है, लेकिन ये वाला पेन या कास्ट आयरन का जो मेरे पास यूटेंसिल्स हैं वो मेरे बन चुके हैं एब्सोल्यूट फेवरेट. कास्ट आयरन पर डेडिकेटेड वीडियो है जो मैं ऊपर लिंक कर दूंगी. बहुत इसमें कुकिंग को मैंने एंजॉय किया है. यू ऑल नो आई जस्ट लव कुकिंग. तो फिश फ्राई हो या चिकन फ्राई हो या ऑमलेट्स हो या चीला हो, बहुत सारी चीजें मैंने नंबर ऑफ थिंग्स इसमें ट्राई कर ली हैं और ये बिल्कुल एक नॉन स्टिक की तरह एक्ट करता है. बिल्कुल भी इसमें खाना लगता है चिपकता नहीं है. द ओनली थिंग इज इसका साइज जो है ना वो थोड़ा सा बड़ा है. तो मुझे थोड़ा सा फ्लफी, थोड़ा सा थिक ऑमलेट, अच्छा सा वेजीज वाला वो अच्छा लगता है मुझे. तो जो साइज बड़ा है, क्योंकि सिर्फ एक एग का जैसे मैं ऑमलेट बनाती हूँ तो बहुत पतला हो जाता है. इसका डायमीटर थोड़ा सा 20 या 24 डायमीटर का है ये, तो ये थोड़ा सा पतला हो जाता है. इसीलिए मैंने एक और छोटा पैन लॉज का 6 इंचेस डायमीटर में अभी मंगाया है. आएगा तो जरूर मैं शेयर करूंगी. एब्सोल्यूट 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 फेवरेट. मूविंग ऑन टू द सेकेंड कैटेगरी. सेकेंड कैटेगरी में जो एक आइटम आता है वो भी किचन से रिलेटेड ही आइटम आता है. बेसिकली इट्स अ इलेक्ट्रिक टिफिन और ये मिल्टन ब्रांड का है. तो क्या हुआ था इसके पीछे की स्टोरी मैं आपको बताती हूँ. लास्ट टाइम पे जब कोविड बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, अप्रैल फर्स्ट वेव में तो ऑफिस सारे ही क्लोज थे, वर्क फ्रॉम होम था, तो वो सब कुछ चलता रहा था. लेकिन जब वो सेकेंड वेव आई थी वो आई थिंक बहुत ज्यादा लीथल भी थी. बहुत सारी कैजुअलिटीज हो रही थी और अप्रैल के बाद मई लास्ट में जो है ना वो डर इतना ज्यादा था. लेकिन मोहित का ऑफिस खुलने लगा था तो वो एक बहुत डर सा हम लोग को फील होता था कि आपको हाथ सैनिटाइज करने हैं, किससे कांटेक्ट नहीं करना है, दूर रहना है. तो पहले जो खाना जाते थे तो ये लोग ऑफिस के हॉट प्लेट्स में या ऐसे कुछ गर्म कर लेते थे. तो लेकिन तब मुझे लगा कि वहां पर भी एक्सपोजर होगा और मैं बहुत डरती थी. मुझे लगता था घर से पानी, खाना, सब कुछ लेकर जाओ जिससे कम से कम एक्सपोजर हो बाहर की चीज से और दूसरी चीज से. तब मैंने एक बार सर्च किया इलेक्ट्रिक टिफिन का, तो मुझे ये वाला टिफिन दिखा. ये 4 कंटेनर का लंच बॉक्स है. इस तरह से इसमें स्टील के 4 कंटेनर्स मिल जाते हैं. सबसे पहली बात तो स्टील का है तो कोई दिक्कत नहीं होती है. और उसके बाद ऐसे यहाँ पर लिड है और लिड में क्या होता है, ये ऐसे वायर आपको रखा हुआ मिल जाता है लाइक दिस. और ऐसे करके आप ये बंद कर देते हो, ये ऐसे बंद हो जाता है. ये वाला ऐसे ये जो बॉक्स है ये यहाँ पर ही ट्यूब्स हैं इसमें और ये इस तरह से ये बंद हो जाते हैं. साथ में क्या रहता है, यहाँ पर इसका ये जो चार्जिंग का मतलब इलेक्ट्रिक का जो पॉइंट है वो रहता है. वो वाला जो कॉर्ड है वो यहाँ पर अटैच होकर पावर सप्लाई में लगा देते हैं. और इधर एक लाइट है, ये जल जाती है जब सप्लाई ऑन होती है. लेकिन इसको अराउंड आधे घंटे 20 मिनट्स गर्मियों में और सर्दियों में 30-40 मिनट्स आपको पावर सप्लाई में लगाना होता है जिससे आपको खाना अच्छे से गर्म मिले. लेकिन उस टाइम पे तो हमारे लिए ये आई थिंक सेवियर ही था. कई बार होता था 4 डब्बों का मुझे लगा था मैंने बहुत बड़ा ले लिया है, तो फिर मैंने एक और खरीदा इसका
वो आई थिंक 3 कंटेनर्स का है, और मैंने जिसको भी बताया ना उसने भी खरीदा, जैसे मेरी सिस्टर इन लॉ है शी इज अ टीचर, तो उन्होंने भी जब वो स्कूल जाती थी तो कोविड टाइम पर उन्होंने भी ये परचेज किया, और उनको भी ना मतलब उन्होंने भी एंजॉय किया, उन्होंने बोला बहुत अच्छा चल रहा है और गर्म खाना मिल जाता है एंड ऑल। तो ये स्टेनलेस स्टील है, और दूसरा ये कोविड के टाइम पर इसने मेरी हेल्प करी थी, तो दिस इज माई एब्सोल्यूट फेवरेट, दोनों ही मुझे बहुत पसंद है, 30 ईयर्स वाला, 3 डब्बे वाला भी और 4 डब्बे वाला भी। और ऑल्टरनेट डेज पे जा रहे हैं, एक दिन एक जाता है, दूसरे दिन दूसरा जाता है, फिर ये जाता है, तो वो बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हैं, किसी की लाइट में वायरिंग में अभी तक कोई भी कमी नहीं आई है, जिसने भी लिया है सबने अप्रिशिएट किया है। तो दिस इज माई सेकेंड मोस्ट फेवरेट थिंग विच आई डिस्कवर्ड इन 2021। मूविंग ऑन टू द थर्ड कैटेगरी विच इज ऑल्सो रिलेटेड टू किचन, ये है, आप पढ़ पा रहे हो क्या? क्योंकि आजकल जो वेदर है ना बहुत मतलब बिल्कुल भी धूप नहीं आ रही है, बहुत ग्लूमी है, बहुत ही कम धूप है, और मैंने रिंग लाइट्स भी यूज नहीं करी है क्योंकि मुझे बहुत बोर लग रहा था, कौन मैंने सोचा फटाफट मैं शूट कर लेती हूँ, तो मैंने रिंग लाइट भी यूज नहीं करी है, तो मुझे खुद ही लग रहा है कि वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं होने वाली है, प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दैट। मैं बहुत लेजी थी ये रिंग लाइट वगैरह लगाने के लिए, और आजकल घर में भी बहुत कुछ चल रहा है, बताने लग गई तो फिर वो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हाँ, तो बैक टू द पॉइंट, ये पूवी का PUVI इसकी कंपनी का नाम है, और इसमें ये पता नहीं है किसी लैंग्वेज में और भी लिखा है पूवी, ये देखिए ये कुछ शायद ये तमिल है, आई तमिल या तेलुगु है, आई थिंक ये तमिल है, उसमें भी लिखा हुआ है पूवी। तो जब रिफाइंड ऑयल्स के बहुत सारे जो कॉन्स हम पढ़ने लगे पिछली बार कि रिफाइंड ऑयल खाने से ये हो जाता है, वो हो जाता है, और नहीं खाना चाहिए, मस्टर्ड ऑयल खाना चाहिए, अपने जो लोकल है वो ऑयल खाने चाहिए, तो हम मैं बिलोंग करती हूँ नॉर्थ इंडिया को, तो हमारा जो लोकल ऑयल है वो मस्टर्ड ऑयल है, लेकिन मस्टर्ड ऑयल में सारी चीजें बनाना जैसे पोहा बनाना या पूरी तलना ये सारी चीजें नहीं हो पाती है, तो मैं सर्च कर रही थी एक ऑयल जो कोल्ड प्रेस्ड हो और रिफाइंड ना हो और जो थोड़ा सा बजट में भी हो, क्योंकि ऑर्गेनिक ऑयल बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, हमेशा सस्टेनेबल नहीं होते हैं इतने महंगे ऑयल खरीदना और उनको यूज करना, क्योंकि हमारे यहाँ डीप फ्राइंग होती है, बच्चों की वजह से पूरी पराठा और पकौड़े ये सारी चीजें बनती रहती हैं, तो वो इतना ज्यादा महंगे ऑयल में नहीं देख रही थी, तो एक बार अमेजोन पर देखते देखते मेरी नजर पड़ी इसके ऊपर, तो ये मैंने 1 लीटर की बॉटल ही ट्राई करने के लिए पहले ट्राई की, तो ये ऑयल ना थोड़ा सा थिक है, और जैसे ही आप उसको पैन में डालते हो वो थोड़ा सा वाटरी हो जाता है, थोड़ा सा पतला हो जाता है, और वो एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कोल्ड प्रेस्ड ऑयल का, वर्जिन ऑयल्स का, जैसा कि मैंने पढ़ा है कि उस तरह से ही रहता है। प्लस इसमें वो जो एक, क्योंकि मैं ग्राउंडनट ऑयल करती हूँ, इनके बहुत सारे वेरिएंट अवेलेबल हैं, तेल का तेल है, सरसों का तेल है, तो मैं ग्राउंडनट ऑयल मंगाती हूँ, तो वो एक स्मेल जो रहती है ना ग्राउंडनट की स्मेल, वो रहती है इसमें, ग्राउंडनट की स्मेल इसमें रहती है, तो आपको फील आ जाता है ना, बार बार एक ही चीज यूज करते रहते हो तो आपको फील आ जाता है कि कैसा है। साथ में ये जो ये इस वाली बॉटल में आई थिंक नहीं है, लेकिन कई बार वो एक डेब्रिस जो एक नीचे लेयर रहती है ना, वो थोड़ा सा ब्राउन से कलर की, जैसे अपन कभी घी भी बनाते हैं घर में और एक डब्बे में डाल देते हैं, कितना भी महीन हम उसको स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लें, लेकिन वो एक ब्राउन कलर का हल्का सा रह जाता है कभी कभी, ऐसा कई बार इसमें रहता है, तो मुझे एक भरोसा सा हो गया है। तो अभी ये जो सब्सक्राइब एंड सेव उनका कुछ है, जो आपको अगर हर महीने या ऑल्टरनेट मंथ में लेते हैं तो कुछ डिस्काउंट पड़ता है, तो 1400 समथिंग का कुछ आता है, 5 लीटर्स होता है, तो मैं एक महीना छोड़ के मंगाती हूँ, तो मुझे शायद कुछ 50 रुपीज 60 रुपीज का डिस्काउंट होता है पर बॉटल पर। मैं लिंक कर दूंगी सारी ही चीजों का, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो दिस इज द थर्ड थिंग विच आई एब्सोल्युटली लव्ड इन 2021। अच्छा, अब कर लेते हैं किचन की जो बातें हो गई वो हो गई हैं, अब हम कर लेते हैं थोड़ी सी हेल्थ से रिलेटेड बात। तो पता नहीं आप में से कुछ लोग को, शायद मैंने कभी नहीं किया डिस्क्लोज तो नहीं कहना चाहिए इसको,
मैंने शायद कभी डिस्कस नहीं किया आप लोगों के साथ कैमरे पर कि मुझे सर्वाइकल का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। मतलब अगर मैं किसी दिन एक भी दिन अगर हाथ से कपड़े भी धो लूँ ना, दो चार कपड़े, जैसे बच्चों का यूनिफॉर्म या वगैरह पहले कभी करती थी, तो मुझे बहुत ज्यादा पेन होता है मेरे शोल्डर्स में और ये हाथों वगैरह में बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो वो अनबेरेबल हो जाता था, तो हमेशा वो पानी की बॉटल में करके डॉक्टर ने भी बोला है या तो फिर आप गीले टॉवल को पानी में डालकर ऐसे आप सेक लो या फिर आप कोई हीटिंग पैड वगैरह का यूज करो। तो क्योंकि प्रॉब्लम ज्यादा ही विंटर में ही होती है, तो थोड़ा सा एक बार ठंडा होने के बाद मन नहीं करता था दोबारा उठो गर्म पानी करो। तो फिर मैंने ये डिस्कवर किया, इस तरह से ये बैग है और ये हीटिंग बैग आई थिंक बहुत सारे लोग ये यूज कर रहे होंगे। मैंने भी जो ये लिया था तो मैंने वो रिव्यूज देखकर ही लिया था और ये बहुत सारे लोगों का फेवरेट है, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि ये कैटेगरी है मेरे फेवरेट्स की, तो इसने मुझे इतना आराम दिया है ना लास्ट ईयर भी और इस साल भी कि बहुत ज्यादा। शायद इसका कॉस्ट 199 या 250 रुपीज है। आपको रैंडम डिजाइन मिलता है, ऐसा नहीं है आप जो भी बुक करोगे वही आपके पास आ जाए। तो अभी हीटिंग बैग में क्या ही डिजाइन और कलर देखना है, तो मेरे पास ये काफी गॉडी सा पिंक कलर फ्लावर प्रिंट वाला आ गया था और इसमें इस तरह से ये है, ये ऐसे मिल जाता है और इसका जो कॉर्ड है ना वो इस तरह से है, इसका कॉर्ड ये इसमें लग जाता है और उधर पावर सप्लाई है और ये अच्छे से गर्म 10 मिनट के अंदर पूरा ऐसे बॉइलिंग वाटर की मम आवाज आती है और फिर आप यूज कर सकते हो जब ठंडा हो जाए। और काफी देर तक मतलब पानी गर्म रहता है या जो भी इसके अंदर जेल है या जो भी कुछ है, ऐसा ऐसा लिक्विड ही फ्लोई फ्लोई सा आवाज आ रही होगी ना वैसा सा इसमें कुछ भरा हुआ है, तो वो काफी देर तक गर्म रहता है और फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अगर ठंडा होता है दोबारा से प्लग पॉइंट में डाल दो और ये यूज कर लो, तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ये जिनको सर्वाइकल का या कहीं भी सेकने का वाटर बैग यूज कर सकते हैं करते हो तो ये जरूर उसका एक ऑल्टरनेटिव बहुत ही अच्छा है। तो डू ट्राई दिस इन केस ऑफ एनी रिक्वायरमेंट। सेकेंड जो आई थिंक फोर्थ जो भी कुछ होगा वो होगा, ये भी एक हेल्थ से रिलेटेड ही प्रोडक्ट है। एक ये है बीटो कर्व की मशीन, BEAT बीट और ओ और CURV कर्व। ये एक ग्लूकोज मॉनिटर है बेसिकली। माई हस्बैंड इज सफरिंग विद डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, मोहित को है प्रॉब्लम डायबिटीज की, उनका शुगर लेवल्स हाई रहते हैं। तो क्या होता था उनके जो शुगर लेवल्स थे ना वो बहुत मतलब फ्लक्चुएट बहुत होते थे, अचानक से बहुत ज्यादा हाई, फिर कभी कम, कभी कभी कुछ दिन होते थे जब उनको डॉक्टर डबल डोज देते थे, कभी कभी कुछ दिन होते थे उनको दवाई खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। तो उन डॉक्टर ने बोला कि एक महीने तक आप दिन में 3 बार अपने शुगर को चेक कीजिए और उसका एक चार्ट बनाकर मुझे बताइए, क्योंकि मुझे पैटर्न देखना है कि किस तरह से स्पाइक होता है आपके ब्लड में शुगर का और किस तरह से डाउन चली जाती है, तो वो मुझे देखना है। तो वो हमेशा सुबह और शाम तो करते थे, लेकिन ऑफिस में इतनी बल्कि सी मशीन ले जाना और बार बार एक ही रजिस्टर पे लिखना पूरा वो करना वो थोड़ा सा नहीं हो पा रहा था। तो जब वो अमेज़न पर तो आपको सब कुछ मिलेगा, तो जब वो सर्च वर्च किया तो आई केम अक्रॉस दिस प्रोडक्ट बीटो कर। इसमें क्या होता है, ये जैसे मैंने बताया ग्लूकोज मॉनिटर है, इसमें बस ये इस डिवाइस का साइज जो है इतना सा ही है। इसको आप कहीं भी अपने पॉकेट में भी कैरी कर सकते हो और उसके साथ आता है कि छोटा सा पेन जिसमें की नेडल लगी हुई है, ये इस तरह से घुमाओ तो ये नेडल बाहर आती है और यहाँ पर एक एक छोटा सा ये बटन आपको ये ब्लू कलर का जैसे बटन है ना ये मिल जाता है और इसके साथ आती है ये इसकी स्ट्रिप्स। तो बस वही बहुत ही इजी सा है। इसका एक ऐप होता है वो एंड्रॉइड में एप्पल जिस भी आप फोन जो भी आप फोन यूज कर रहे हो उसमें आप डाउनलोड कर लेते हो और फिर सारी जो अगर आपको जो भी आपको जैसे भी करना है वो सारी जो प्रोसेस है वो बता देते हैं। एक छोटे से ये पाउच भी ऐसे मिल जाता है जैसे ट्रैवल वगैरह के लिए, तीनों चीजें ना उस पाउच में आप रख के कैरी कर सकते हो। 1, 2 और 3 ये ऐसे कैरी कर सकते हो तीनों चीजें इस पाउच में रख के। तो ये है और ये जो नॉर्मल हमारा बीपी की स्ट्रिप्स और वो होती है ना उससे भी काफी इकोनॉमिक शायद पड़ता है, मुझे रेट का उतना पता नहीं है। और ये सीधे जो मशीन है ना, हाँ आई एम सॉरी ये वाली जो मशीन है ना ये फोन का जैसे चार्जर वाली जो जगह होती है ना उसमें ये फिट हो जाती है। जैसे ये वाला हमने
टाइप सी यूएसबी वाला लिया हुआ है, बाकी बहुत सारे जिसका जैसा फोन होता है वो वैसी मशीन ऑप्ट कर सकता है। और ये इनका जो ऐप होता है, जैसे भी आपकी जो शुगर की रीडिंग होती है वो आपने जिस समय ली होती है, जिस डेट पे ली होती है, मॉर्निंग, इवनिंग, नून, एएम, पीएम, वो सब खुद से स्टोर कर लेता है। तो आप अगर एक महीने तक या 15 दिन तक आप भी शुगर मॉनिटर कर रहे हो तो वो एक साथ एक बार में रीडिंग आपको दे देता है कि कब क्या रहा है आपका ब्लड शुगर का हाल। तो ये एंजॉय तो नहीं किया है, कौन ही इस सब चीजों को एंजॉय करता है, लेकिन दिस इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल थिंग फॉर द पीपल हु आर सफरिंग विद टाइप 2 और टाइप 1 डायबिटीज। तो ये काफी कन्वीनियंट रहा है हमारे लिए। नेक्स्ट दिस अब आ जाते हैं थोड़ा सा स्किन केयर की कैटेगरी में या मेकअप की कैटेगरी में। तो अब ये वाली जो क्रीम है ये है एलिमेंट्स की क्रीम है। अगेन मैं शूट कर रही हूँ फ्रंट कैमरे से, आई एम सो सॉरी। ये एक एलिमेंट्स की क्रीम है। ये जो क्रीम है ना, ये मोहित को, मतलब मेरे हस्बैंड को, उनके कलीग ने बताई थी कि उनकी मम्मी यूज करती है। मोहित को क्या हो रहा था, यहाँ पर ना बहुत सारा पिगमेंटेशन हो रहा था उनको। तो दिल्ली में एक कई लोगों से पूछा कि ये डॉक्टर्स बताइए कोई स्किन स्पेशलिस्ट, तो उन्होंने बताया भी बहुत सारे टेस्ट किए, ये किया वो किया, सनस्क्रीन, लोशन, दवाइयां, वो बहुत, एक तो बहुत कॉस्टली भी था, प्लस पर हमें तब तक ये पता नहीं था तो हम वही कर रहे थे। और जेंट्स का ना इतनी क्रीम्स लगाना, इतना हर बार सनस्क्रीन लगाना, फिर थोड़े थोड़े देर बाद के बाद, मतलब उन्होंने बोला 2-3 घंटे के बाद आपको रीअप्लाई करना है सनस्क्रीन, तो वो हुआ इतना ज्यादा कि वो हम नहीं कर पाए, मतलब मोहित वो सस्टेनेबल नहीं था उनके लिए। वो बार बार बोल रहे थे कि मैं ऑफिस में क्रीम लगाऊंगा क्या, ये करूंगा, तो वो नहीं हो पाया। तो वो वैसे ही रहा, उनके यहाँ पे पिगमेंटेशन रहा। तो ऑफिस में जब उसने देखा होगा तो उसने बताया होगा कि आप ये वाला ट्राई करिए। तो ये एलिमेंट्स का क्रीम है एंड दिस इज सुपर डुपर अफोर्डेबल। आपको पैक ऑफ 2 मिल जाता है फॉर जस्ट 499 या 315 इसका, हाँ एक का प्राइस है लेकिन 2 मिल जाता है 499 में। ये फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, मैं लिंक दे दूंगी नीचे। बहुत ज्यादा क्या बोलूंगी, ऑयली नहीं है, थोड़े से ड्रायर साइड पर है। मतलब अगर आप सोचो इसको एज अ कोल्ड क्रीम है तो मॉइस्चराइजर यूज करना तो शायद नहीं होगा, लेकिन एज अ क्रीम आप यूज कर सकते हो। गर्मी में भी बहुत ज्यादा चिपचिप टाइप नहीं है। और मतलब 2-3 महीने में उन्होंने बैक ऑफ 2 ही हमने मंगाया था, हमने बोला चलो लेट्स गिव इट अ ट्राई, क्योंकि और तो कुछ तुम कर नहीं पा रहे हो तो चलो ये करके देख लेते हैं। तो ये इतने अच्छे थे, इनका पूरा पूरा जो ये पिगमेंटेशन यहाँ पर था, और मतलब गाल पे बहुत जल्दी जल्दी चीज पे आ जाता है, तो ये एकदम क्योर हो गया। अभी तो मोहित का फेस बिल्कुल एकदम से क्लीन सा हो गया है। तो ये मुझे काफी अच्छी लगी, सुपर डुपर अफोर्डेबल येट वेरी रिजल्ट दिखा है, मतलब इसने, इससे काम हुआ। तो यस, और फिर नेक्स्ट आ जाता है स्किन केयर की ही कैटेगरी में, दिस बायोडर्मा का पता नहीं, ये मेड इन फ्रेंच क्रीम है, जिसमें क्या क्या लिखा हुआ है मुझे बहुत ज्यादा पता समझ नहीं आ रहा। इंग्लिश में जो इस पे लिखा हुआ है वो बायोडर्मा लिखा हुआ है, और लिखा है अल्ट्रा नरिशिंग क्रीम और नॉर्मल टू ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन। एंड द लास्ट थिंग विच आई टोटली एंजॉय फॉर माई ग्रेस, जी हाँ, बाल काफी सारे ग्रे मेरे हो गए हैं। अपने बालों को कवर करके रखना अच्छा लगता है, मतलब कलर करके, कवर नहीं, कलर करके रखना अच्छा लगता है। और कभी कभी आपका मन करता है ना कि चलो मैं थोड़ा सा बर्गंडी ट्राई कर लेती हूँ या कुछ, मैं ये कभी नहीं करती थी, लेकिन लॉकडाउन में खाली रह रहे के इतनी सारी चीजें मैंने अपने ऊपर ट्राई करी है ना, मतलब बीट कुकिंग, बीट मेकअप, बीट स्किन केयर, इतनी सारी चीजें मैंने ट्राई करी है पिछले 2 साल में, जो ये 2020 और 2021 हो गया है, कि बहुत ज्यादा मैं एक्सपेरिमेंटल हो गई थी। तो उसमें मैंने ये करा, डिस्कवर किया ये मैंने, ये है स्टिक्स का इंस्टा शैम्पू हेयर कलर। ये इस तरह से दिखता है, और दिस इज इन द शेड 3.16 बर्गंडी। तो कभी कभी क्या होता है, कहीं जाना होता है या कुछ पार्टी होती है, या आपको खुद ही नहीं अच्छा लग रहा होता है कि अच्छा बाल ग्रे दिख रहे हैं लेकिन मुझे कलर करना है, लेकिन वो ना इतना मन नहीं होता कभी कभी कि अच्छा पहले शैम्पू करो, फिर बाल ये करो, कलरिंग करो, फिर वॉश करो, फिर ऑयल लगा के ये करो, मन नहीं करता है। और सर्दियों में तो खासतौर पर मन नहीं करता, बहुत ठंड लगती है, तो लगता है एक ही बार में कुछ कुछ हो जो काम कर दे। ये बॉल, मैं इसकी क्वालिटी के लिए बहुत ज्यादा अश्योरेंस
नहीं दूंगी कि आप बेसिक आप मतलब डेली बेसिस पर या यही कंटिन्यू करते रहे तो आपको अच्छा है, लेकिन फॉर दोस लेजी डेज या फॉर दोस नॉट सो हैपनिंग डेज जब आपका मन नहीं करता ये सब करने का, इसमें क्या करना पड़ता है, इसका इसमें ग्लव्स भी आते हैं सबसे अच्छा, 20 रुपए के पैक में भी ग्लव्स हैं, तो ग्लव्स आपको अपने हाथों में पहन लेने होते हैं और बालों को वेट वेट कुछ नहीं करना, आपको गीला नहीं करना, पूरा जो कंटेंट है वो आपको अपने हाथ में लगा के जहां भी ग्रे है अच्छे से आपको मसाज करते रहना है, मसाज और फिर वो 10 मिनट रखना होता है, 10 मिनट छोड़ना है, उसके बाद सिंपली आपको वॉश कर लेना है और आपके बाल हो जाएंगे एकदम चमकदार सिल्की और कलर जो भी कलर आपने यूज किया होगा। तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, दिस इज ऑल फॉर टुडे गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो डू गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्लीज 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 सब्सक्राइब कर लेना यार, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन पर प्लीज सेट कर लीजिएगा जिससे कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। मैं मिलती हूं आपसे एक और नए वीडियो में या एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, वेरी 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 सेफ।